आज इसी तरह बर्बाद होते रहे। ये जेएसएससी कर्जा ले नौकरी देने वाला नहीं बल्कि नौकरी बेचने वाला दुकान बन जाए। आप बोल दीजिए, सरकार बोल दे कि जेएसएससी कार्यालय नियुक्ति संस्था नहीं है, यह दुकान है, यहाँ पे नौकरी बेचा जाता है, तो बता दे, वो पुष्टि कर दे। हम लोग लाठी डंटा एफआईआर गोली बारूद वाटर कैनन फायर ब्रिगेड सबसे कोई डर नहीं है। कोई मतलब झारखंड अभी तक जवान नहीं हुआ है। जवान नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के जितने भी सरकार बने हैं, जितने भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी का सरकार हो, कांग्रेस का, जेएमएम का, जितने भी सरकार बने, कोई भी सरकार यहाँ के आदिवासी मूलवासी छात्रों का जो है बात नहीं किया है। किसी को नौकरी के लिए आप लोग जो है सो धरना देते हैं, कभी परीक्षा रद्द कराने के लिए धरना देते हैं, क्या लगता है ये झारखंड के छात्रों के साथ फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है? अच्छा मजाक हम लोग कर रहे हैं कि सरकार कर रहा है कि एक के परीक्षा को बार बार पेपर लीक कर रहा है। पिछला बार 30-35 लाख में बेचा था, इस बार चेयरमैन बदल करके ऊंचा दाम 40-50 लाख में बेच रहा है। तो मजाक वो कर रहा है कि हम लोग कर रहे हैं? क्या हम लोग छात्र का, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र है उसका भविष्य को बर्बाद होने दें? क्या जो नौकरी को बेचा जा रहा है उसको हम लोग बचाए नहीं? अब क्या चाहते हैं? राज्य इसी तरह बर्बाद होते रहे। ये जेएसएससी कर्जा ले नौकरी देने वाला नहीं बल्कि नौकरी बेचने वाला दुकान बन जाए। आप बोल दीजिए, सरकार बोल दे कि जेएसएससी कार्यालय नियुक्ति संस्था नहीं है, यह दुकान है, यहाँ पे नौकरी बेचा जाता है, तो बता दे, वो पुष्टि कर दे, हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे। तू बेचते रहे नौकरी जिसको बेचना है, लेकिन यह कर्मचारी चयन आयोग है ये, और यह कर्मचारियों का चयन होता है, इसके लिए इस आयोग का गठन किया गया है। तो चाहे सरकार रहे या आयोग के कोई भी चेयरमैन सचिव मेंबर रहे, हम लोग एक बार क्या छात्रों के भविष्य के लिए, छात्रों का दुख तकलीफ दर्द के लिए हम लोग कितनों बार आना पड़ेगा, हम लोग आते रहेंगे। आज फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता है, अग्निशामक गाड़ी है, प्रशासन पूरी तरह से एकदम तंदुरुस्त है, फायर ब्रिगेड से, क्या लगता है मतलब ये सब का सामना करने के लिए आप लोग रेडी है? पूरी तरह रेडी है। हम लोग लाठी डंटा एफआईआर गोली बारूद वाटर कैनन फायर ब्रिगेड सबसे कोई डर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो दर्द लाठी डंटा एफआईआर वाटर कैनन से है, उससे बड़ा दर्द कि यहाँ की नौकरी को बेचा जा रहा है, उससे बड़ा दर्द यहाँ सेटिंग गटिंग हो रहा है, उससे बड़ा दर्द कि यहाँ छात्र सालों साल से पढ़ाई कर रहे हैं उसका नौकरी नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ 40-50 लाख रुपया दे करके एक घंटा पहले पढ़ ले रहे हैं उसका नौकरी हो रहा है, ये उससे बड़ा दर्द है, इसलिए हम लोग को इस सबसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा देवेंद्र जी, आप सहायक पुलिस कर्मी के आंदोलन के दरमियान गए थे, बड़ी लाठी डंडा खाए थे, फिर खाने आ गए, मतलब हमेशा लाठी डंडा ही खाते रहिएगा? देखिए हमको कोई शौक नहीं है लाठी डंडा खाने का, लेकिन हमको इतना जरूर शौक है, इतना जरूर मेरा चाहत है, इच्छा है कि यहाँ छात्रों के साथ न्याय हो। छात्र जो जेन्युइनली पढ़ाई करते हैं, जो मेधावी छात्र है उसका चयन हो, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो छात्रों का दर्द है इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं है, और इसको लेकर के लाठी डंडा तो क्या फिर से जेल जाना पड़े, फिर से कुछ भी करना पड़े या इस माटी में मिलना पड़े, हम तैयार हैं, लेकिन छात्र के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज देवेंद्र जी कमजोर लग रहे हैं थोड़ा सा, आप क्या वजह है? कमजोर कहा है जी, अभी ताकत निकलेगा, देखिए ना अभी तक तो आपके तरफ से ना स्पीच बाजी हुई ना भाषण बाजी हुई, क्या कहीं कुछ ऊर्जा को बचा के रखे हैं, आर पार का लड़ाई है, ऊर्जा को बचा करके रखे हैं, अभी ताकत दिखेगा, अभी समय डालने दीजिए, समय बीतने दीजिए, अभी असली लड़ाई तो अब शुरू होगा। अभी तो अभी देख लोग भी, आयोग भी देख रहे हैं कि इन लोग का कितना पेशेंस है, पुलिस प्रशासन अधिकारी पदाधिकारी भी वाच कर रहा है कि इन लोग कितना देरी तक लड़ सकता है, और हम भी अभी तैयार हैं असली लड़ाई लड़ने के लिए अभी, और हम आपको स्पेशल फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आज तैयार रहे आयोग 31 दिसंबर 2023 का दिन को दोहराने के लिए, फिर से वो दिन को आज हम लोग दोहराने जा रहे हैं। अभी ब्रेकेटिंग लगाया है हम लोग को रोकने के लिए, समय ढलने दीजिए, टाइम होने दीजिए, एक भी अधिकारी पदाधिकारी आयोग से बाहर नहीं निकलेंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम बोल दिए। एक सवाल और, तब दिखेगा एनर्जी, तब दिखेगा ताकत, तब दिखेगा ऊर्जा। एक सवाल और है, आपके सुप्रीमो जी लाइव आकर बोले थे हम लोग आंदोलन जो है सो करेंगे, लेकिन अभी तक वो दिखाई नहीं दिए हैं जेएसएससी कार्यालय के बाहर। अरे हम लोग मोर्चा संभाल रहे हैं, वो लाइव में फेसबुक में ही खाली मोर्चा संभालेंगे, देखियो कार्यक्रम अंड कार्यक्रम में वो भी है, स्टूडेंट का कार्यक्रम से बड़ा कार्यक्रम हो गया। झारखंड में छात्रों को लेकर के सब लोग अपना अपना सिर्फ चेहरा चमकाने में लगे रहते हैं, आप लोग क्या कुछ कहिएगा देवेंद्र जी? ऐसा नहीं है,
छात्र का दुख तकलीफ दर्द पीड़ा की बात है तो सब कोई को मिल के लड़ना है, और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना है, इसका परिणाम को लाना है। अच्छा, आज यहाँ कितना का भीड़ है, क्या लगता है इतना भीड़ से कुछ हो पाएगा, जेएसएससी कार्यालय के लोग सुनेंगे? अच्छा एक बात बताइए, मैंने क्या बहरा है क्या जेएसएससी कार्यालय, मैंने उसको बम मारे पटके हैं? बताइए, पूरे राज्य के कोना कोना से हजारों हजार लाखों लाख की संख्या में छात्र आए हैं, तो सब छात्र को यही बुला करके यहाँ क्या किया जाए बताइए? ये सब बात बेतुका का है, ये आयोग बहरा हो गया है, अंधा हो गया है। अब यदि आयोग हमारा बात नहीं सुनेगा तो इतना ही छात्र को समय आने दीजिए, हम लोग सब के सब छात्र हम लोग कार्यालय के अंदर तक घुसेंगे पिछला बार की तरह। ब्रेकेडिंग कोई काम का नहीं होगा। मुख्य आपको याद होगा महोदय, मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान एक ब्रेकेडिंग को नहीं बल्कि हम लोग छः ब्रेकेडिंग को तोड़ करके जिस गेट से मुख्यमंत्री महोदय घुसते हैं उस दरवाजे तक, उस गेट तक पहुंचे थे। अभी भी ये ब्रेकेडिंग कुछ नहीं है, इस ब्रेकेडिंग को उठा के हम लोग घर लेते जाएंगे और जो है कि परीक्षा को रद्द कराएंगे, हम लोग कार्यालय घुसेंगे और बैठ के चेयरमैन जेएसएससी को तुरंत हम लोग कहेंगे कि इसका रद्द का घोषणा जारी करिए, वेबसाइट पर नोटिस जारी करिए। कुछ एक सवाल रहेगा, माइक सब चेंज कर दीजिए, बोलिए। एक मिनट कुछ जी, आप जेडीकेएसएस के युवा मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम लोग भी पहुँच रहे हैं, आपके बड़े उपाध्यक्ष भी पहुँचे हैं, लेकिन आपके केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं सुप्रीमो जो है वो कहते हैं सोशल मीडिया में कि हम जो है स्टूडेंट के साथ रहेंगे, लेकिन छात्रों के बड़ा हित ऐसी है लेकिन आज दिखे नहीं, इसको लेकर क्या कहिए? देखिए, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने इस विषय में कहा कि हमारे टाइगर जयराम महतो जी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त हैं और उनके अनुपस्थिति में ही हम लोग जो है कि मोर्चा को संभाले हुए हैं, सभी को जे एल के परिवार सभी को उपस्थित है। तो क्या लगता है कि एक सोशल मीडिया में समर्थन देना और नैतिक जो है यहाँ सरकारी समर्थन देना, ये कहीं ना कहीं जब वो स्टूडेंट के लिए लड़ाई लड़ते हैं, झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये भी तो झारखंडियों के लिए बड़ी मुद्दा है। आप वहाँ से आ गए हैं लेकिन आपके सुप्रीमो जो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो उपस्थित है ही ना, हम लोग तो बोल ही रहे, शारीरिक रूप से हो या फिर जैसे भी हो, हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे झारखंडी छात्रों के साथ, जो हमारे यहाँ मूलवासी छात्रों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उनके जो नौकरी को बेचा जा रहा है, उसके विरोध में जो है हम लोग प्रदर्शन कर ही रहे हैं, हम लोग तो शारीरिक रूप से उपस्थित ही हैं। और जयराम उसमें से आयोग की गलती मानते हैं या झारखंड सरकार की गलती मानते हैं या फिर यहां के मौजूदा जो सिस्टम में लोग बैठे हैं उनकी गलती मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, युवा होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 में जो हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ, आज 2024 हो गया, 2024 के दरमियान में कई लोग जो 15 नवंबर 2000 के दरमियान में जिनका जन्म हुआ है वो जवान हो गया, लेकिन आज देखे होंगे कि झारखंड अभी तक जवान नहीं हुआ है। जवान नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के जितने भी सरकार बने हैं, जितने भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी का सरकार हो, कांग्रेस का, जेएमएम का, जितने भी सरकार बने, कोई भी सरकार यहाँ के आदिवासी मूलवासी छात्रों का जो है बात नहीं किया है, किसी को नौकरी देने का काम नहीं किया है, सभी युवाओं को, नौजवानों को, आदिवासी को ठगने का काम किया है, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ। आप देखे होंगे कि लगातार पेपर लीक होते जा रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, और हर एग्जाम में आप देखे होंगे कि चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, महाराष्ट्र का हो, जो है कि वो शामिल रहता है। सीजीएल का एग्जाम, उससे एक दिन पूर्व शाम की घटना होती है कि पलामू पुलिस के द्वारा जो है कि 90 लाख रुपया बरामद किया जाता है। आप ही लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखे हैं, 90 लाख रुपया बरामद किया जाता है। आप बताइए वो आदमी कहाँ का है, बिहार का है, 90 लाख रुपया पकड़ाया जाता है, वो किस लिए आता है, ना नौकरी खरीदने के लिए आता है। उसके बाद इससे पूर्व जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे जेपीएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में देखे होंगे बाहर के तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो यहाँ के झारखंडी आदिवासी मूलवासियों के नौकरी चाकरी सबको छीनने का प्रयास करता है। कहीं ना कहीं हमारी सरकार जितने 2000 से 2024 तक जितने भी सरकार बन रहे, ये सभी लोग उन लोग के साथ संलिप्त दिखाई दे रहा है, उन्हीं के संरक्षण में ये सब कृत्य किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ अभी आप लोग जेएसएससी सीजीएल के ग्राउंड में बैठे हैं, कब तक बैठे रहिएगा? जब तक जो है एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाएगा, जब तक एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चुनावी राजनीति का साल है ये। नहीं नहीं, देखिए चुनावी का कोई बात ही नहीं है। अरे भैया, आप नौकरी दे दीजिए ना इन लोग को, इन लोग का नौकरी क्यों बेच रहे हैं आप, क्या कारण है बताइए, क्या इन लोग का जितने भी आए हुए हैं झारखंड, सुन लीजिए एक मिनट। वो तो कह रहे हैं कि हम लोग के तरफ से किसी भी तरह का धांधली नहीं किया गया है, ये सब झूठा आरोप है, ये तो कहेंगे ही चाल है, ये सब विपक्ष का चाल है, कहेंगे ही। छात्र, नौजवान से पूछिए, नौजवान से पूछिए, जो
गोड्डा से आए हैं, जो आपका पलामू से आए हैं, जो जमशेदपुर से आए हैं, उसका 500,000 रुपया जो अपना पैसा खर्चा करके आए हैं टेम्पू से ट्रक से चढ़ के, वे लोग बेवकूफ़ नहीं ना है कोई। वे लोग 5-10 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद जो है कि एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद जो है बड़ी आशा उम्मीद के साथ परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने के बाद जब घर लौटते हैं, घर लौटने के क्रम में पता चलता है परीक्षा कैंसिल हो गया, एग्जाम रद्द हो गया, पेपर लीक हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, आखिर बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ झारखंड के तमाम सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपको ठगना ही है, आपको लूटना ही है, तो आप किसके साथ लूट रहे हैं, एक बार सोचिए। सभी आदिवासी मूलवासी छात्रों के साथ लूटा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया।